हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। और दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। दोस्तों, अच्छी बात ये है मॉरीशस में आज, क्योंकि आज लॉकडाउन ओपन हो गया है और मॉल्स, बैंक वगैरह सब दुकानें खुल गई हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग करने के लिए, मतलब खाने की सामान लेने के लिए, खाने का सामान लेने के लिए जा रहे हैं हम सुपर मार्केट में। तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ है, आप इनको जानते होंगे, अंकुर कुमार पंचाल इसका नाम है, इससे बात कर रहा था आपका। हेलो दोस्तों, कैसे हो? अभी आज हम ये मॉरीशस में जो लॉकडाउन का पीरियड था वो अभी ख़त्म होने आ रहा है, बराबर। तो मॉरीशस में टोटल कोविड 19 के 332 केसेस थे, उसमें से 10 लोग का डेथ हुआ है और दूसरा जो भी बचा है 322 केसेस, वो सब रिकवर हुए। तो अभी कोविड 19 के ये जो माहौल था वो सब अभी एकदम क्लीन हो गया है। अभी बाहर मार्केट में सब घूमने के लिए या शॉपिंग के लिए सब लोग जा सकते हैं। तो वैसे आज हम लोग भी सुपरमार्केट में जाने वाले हैं, तो देखते हैं कि बाहर का मार्केट कैसा है और बिफोर कोविड 19 कैसा मार्केट का प्राइस था सब चीज़ का, और आफ्टर कोविड 19 कैसा प्राइस है वो सब देखेंगे। क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में क्या था कि सब सब्जी, आटा, चावल सब कुछ महंगा था, बराबर। अभी जो कोविड 19 का ये जो पीरियड ख़त्म हुआ है, बराबर, अभी आज हम जाने वाले हैं सुपरमार्केट में, तो देखते हैं और तुमको दिखाते हैं कि क्या क्या प्राइस का वेरिएशन आता है। और दूसरा जो चीज़ है उसके बारे में मेरा फ्रेंड भी थोड़ा आपको बताएगा, ओके? तो दोस्तों, अभी देखो क्या है कि बहुत दिनों के बाद लॉकडाउन खुला है, ठीक है, तो हमारे पास हो गया सामान ख़त्म और हम लोग जाएंगे इंटरमार्ट में। इधर इंटरमार्ट मतलब एक बड़ा सा दुकान रहता है, वहाँ पे छोटे से सामान से लेके बड़ा, मतलब घर का पूरा सामान मिलता है। तो आपको मैं वो दिखाऊंगा, वहाँ पे प्राइस भी लिखा रहता है, वहाँ पे भाव मोल नहीं करना पड़ता है, जो पसंद आए वो लो और काउंटर में अपना बताओ उसको और बिल पे करो, ऐसा रहता है। दोस्तों, हम लोगों ने संयम रखा, घर से बाहर नहीं निकले, इसीलिए आज इधर जीरो हो गया है कोविड 19 का केसेस, क्योंकि 10-15 दिन हुआ है अभी जीरो है, एक भी पेशेंट को कोविड 19 नहीं है अभी। और इंडिया में जो लोग हैं, आप भी समझो, आप घर के अंदर हो तो आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग जाएंगे अभी तो आपको अच्छे से बताएंगे। देखो, इधर आटा कितना महंगा मिलता है, इंडिया में आटा आपको 10-20 रुपये किलो मिल जाएगा, इधर 2 किलो आटे का रेट क्या है, 5 किलो का क्या है, ऑयल कितने में मिलता है, सब्जी कितना है, तो आपको पूरा मॉल बताऊंगा, आप पूरे वीडियो में बने रहना, पुलिस भी उधर लगा रहेगा। और आज क्या सीरियल वाइज के ऊपर नंबर, जैसे कि मंडे जिस ए से लगा के एस तक जिसका सरनेम आएगा, जैसे मेरा नाम है सेन, तो सेन का सरनेम लास्ट में आता है, तो ए से लगा के एस तक जिसका मंडे को सरनेम आएगा वो जाएगा, फिर ए से लगा के आएगा एन तक, वो जाएगा ट्यूजडे को, और हमारा जो वेनसडे है तो हमारा एस का आता है, एस से लगा के जितना भी रहेगा वो वेनसडे को आएगा। तो हम दोनों का नाम सेम है, मेरा एस है तो इसका पी है, तो हम लोग जाएंगे अभी, तो आपको दिखाता हूँ वहाँ पर। और दोस्तों, मेरे घर से इंटरमार्ट मतलब लगभग 5 किलोमीटर तो होगा, कम से कम मिनिमम 5 किलोमीटर। और दोस्तों, हम लोगों को इधर घूमने के लिए देखो ट्रांसपोर्ट में जाते तो बहुत पैसा लगता है, मतलब 2 किलोमीटर भी जाओगे तो आपको 20-25 रुपये इधर टैक्सी फेयर, ट्रांसपोर्ट का जो पैसा है ना बहुत लगता है। 2 किलोमीटर तक जाओगे ना आप तो कम से 20-25 रुपये लग जाएगा, मतलब इंडिया का 50 रुपया हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने साइकिल लिया, मैंने भी एक नया साइकिल है, ये मेरे से 3 महीने पहले आया है, तो इसने भी साइकिल लिया है, तो हम लोग दोनों साइकिल पर जाएंगे उधर मॉल में, और वहाँ से हम लोग बताएंगे आपको क्या क्या प्राइस में क्या क्या मिलता है, ठीक है। और क्या कुछ बोलना चाहते हो? और दूसरी मेन चीज़ है कि यहाँ पे क्या है कि तुम कहीं पे भी जाते हो, मॉल में जाते हो या फिर कोई सुपरमार्केट में जाते हो, तो हमको पहले रूम से या घर से निकलते पहले एक चीज़ मेन इम्पोर्टेंट कि अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है। हाँ। अगर तुम एब्रॉड से हो यानी कोई भी इंटरनेशनल कंट्री से आए हो, बराबर, तो आपको आपका पासपोर्ट जो है वो वहाँ शो करना पड़ता है। और अगर तुम मॉरीशियन हो, यहाँ का लोकल सिटीजन हो, तो तुमको तुम्हारा जो आईडी प्रूफ है, ड्राइविंग लाइसेंस है या यहाँ का सिटीजन का जो भी कार्ड है, वो आपको शो करना पड़ता है। और मेन चीज़ कि जाते वक्त मास्क और जो हैंड ग्लोव्स है वो दोनों चीज़ मैंडेटरी है, कि यहाँ अगर वो दो चीज़ नहीं होगी तो क्या है कि फिर से ये कोविड 19 का केस और उसका जो रूल्स रेगुलेशन है वो हमको फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ क्या दोस्तों, इसलिए ज़रूरत पड़ती है अपने को पासपोर्ट की, और इधर कुछ कुछ इंडियन है तो उसको वर्क परमिट भी शो करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि मॉल में जाओगे आप तो वहाँ पे पुलिस भी लगे रहते हैं, तो मैं आपको बताया ना, सरनेम के वाइज अपने को सामान मिलेगा, एंटर करने देंगे अंदर, तो वो सरनेम के वाइज है, तो वो सरनेम उसमें देखेंगे पासपोर्ट में, पासपोर्ट में सरनेम सेम है
डे से में तो आपको एंटर करने देंगे, अदरवाइज नहीं। और वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं, कुछ ऐसा ऐसा हुआ तो आपको अंदर डाल देंगे। मास्क जरूरी है, हैंड ग्लव जरूरी है, और पॉकेट में अगर सैनिटाइजर है वो और भी अच्छा है। और वहाँ पे लोग क्या है कि अंदर जाओगे आप तो जाते ही आपको पहले सैनिटाइज करेंगे, हाथ में सैनिटाइज देंगे आपको, आईडी चेक करेंगे और टेम्परेचर भी चेक करेंगे। हाँ, टेम्परेचर मेजर करेंगे। हाँ, तो आज मेरा पहला बार है तो हम लोग जाके देखते हैं क्या क्या है उधर, ठीक है। और हम अपना पूरा जर्नी आपको दिखाते हैं इस वीडियो में, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहना। चलो दोस्तों, मैं हूँ भरत, मेरे चैनल का नाम है द राइट वे वन और आप देख रहे हो द राइट वे वन। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं इंटरमार्ट में और मैं अपनी साइकिल निकाल चुका हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो, मैंने भी मास्क लगाया है और ग्लव्स पहना, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा, मास्क नहीं पहनूंगा तो मेरे ऊपर 500 से 1000 रुपया फाइन लगेगा, ठीक है। जैसे पुलिस वाला देखा मुझे, सीधा पर्ची फाड़ के 500 1000 रुपया ले लेगा मेरा, ठीक है। ये अभी इधर का रूल्स है, ठीक है। तो मेरा साइकिल आपको दिखाता हूँ, मैंने नया साइकिल लिया था, 10 से 15 दिन हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा साइकिल। ये जो दिख रहा है लाल वाला साइकिल, ये मेरा है, देख लो भाई, ऐसा मॉरीशस में ऐसा साइकिल मिलता है। और ये मेरे दोस्त का साइकिल है, अंकुर कुमार का। ये जो साइकिल है लगभग 6000 रुपये का मिलता है इधर, ठीक है। तो इंडिया का 12000 हो गया। तो हम लोग इसी साइकिल के थ्रू जा रहे हैं इंटरमार्ट में, ओके। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा देखना, जिससे आपको मालूम चले वहाँ कैसा मॉल होता है, कैसे सामान हम लोग परचेस करते हैं, ओके। दोस्तों, अभी देखो मैं घर के बाहर निकल चुका हूँ, साइकिल पे हूँ, और अभी आपको मैं बताऊँगा मेरे घर के सामने का रास्ता ये है। घर के सामने का रास्ता ये जाता सीधा इंटरमार्ट में, और आपको एक व्यू बता देता हूँ घूम के, थोड़ा सा आपको मालूम चले मेरे घर के सामने क्या क्या कैसा लोकेशन है। और ये दोस्तों देखोगे मेरे घर के सामने एक दुकान भी है, ये स्टोर है अनुषिका स्टोर करके, देखो दिखाई दिया। इधर आलू प्याज वगैरह सब मिलता है। और ये मेरे घर के सेकेंड टाइम का ये रास्ता है, लेफ्ट साइड का ये रास्ता है, और राइट साइड का मैं आपको बताता हूँ, राइट साइड का भी रास्ता दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं इस वे में जाऊँगा आगे, और मेरे पास साइकिल है तो थोड़ा सेकी बनेगा वीडियो। तो मैं अपना कैमरे को अंदर डालता हूँ, जैसे मैं इंटरमार्ट पहुँचूँगा साइकिल पे तो आपको मैं पूरा व्यू बताऊँगा, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों मैं अभी आया हूँ आधे रास्ते में आया हूँ, साइकिल रोका है, इधर साइकिल दिखा दे भाई। और अभी मैं इधर आलू प्याज मुझे दिखा है तो इधर मुझे लगा सस्ता है, तो मैं इधर से लेता हूँ आलू प्याज और अंकल से बात करके पूछता हूँ कितने रुपए किलो मिल रहा है। चलो अंकल, हाफ के जी हाउ मच रुपी पोटेटो, हाफ के जी हाउ मच रुपी, हाफ के जी 30 ओके, 1 के जी पैकेट लेंगे, हाँ 1 के जी 1 के जी सर्टिफाइड मिलेगा, ओके नो प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हो अभी इधर 18 रुपये का आधा किलो आलू मिल रहा है, ठीक है, 18 रुपये का आलू मिल रहा है, 18 रुपये पाउंड मतलब आधा किलो प्याज है, ये आधा किलो का रेट है। तो एक एक किलो ले लेता हूँ, देखता हूँ कितना क्या मिल रहा है, और आगे बता देना ये अदरक कितने का है, मीटर में देख ले कितना दिख रहा है। ओके, और जिंजर कैसा दिया, क्वार्टर पाउंड है क्या जिंजर, मतलब 250 ग्राम, मतलब आपको जिंजर दिखाई देगा 250 ग्राम का मतलब है अपनी 25 रुपया, ठीक है। तो मतलब प्याज, हाँ प्याज 1 kg, और दोस्तों ये क्या है अंकल, इसको क्या बोलता है अंकल, हाँ ये चूरन है, इसका पकौड़ी बनता है ना, हाँ ओके कछुआ, ओके इसका देखो कछुए जैसा दिख रहा है। और 25 का ये देना ना अंकल, क्या नाम है इसका, गार्लिक तो नहीं चाहिए, जिंजर ले लेते हैं, गार्लिक तो पड़ा है ना अपने पास, हाँ जिंजर 25 रुपीज़ पे। तो दोस्तों, हम लोग घर से बाहर निकले थे और हमें इधर ही सामान मिल गया है, तो हम लोग ये इनका खेत है पीछे, और खेत से ला के फ्रेश माल इधर बेचते हैं, तो हम लोगों ने इधर से सामान ले लिया है दूसरा। तो दोस्तों, सामान मैंने ले लिया है तो अपना पैक हो गया है, और ये जैसे मार्केट ओपन होगा दूसरा तो ये सब मार्केट में सब सामान जाएगा, ठीक है, ये रोड पर अलाउ नहीं है बेचना है। अंकल क्या बोल रहे हैं, वायरल चला जाएगा तब ना, और मास्क जरूरी है, देखो सब लोगों ने मास्क लगाया है, इंडिया में आप लोग हो तो मास्क लगाना, ठीक है। 500 रुपये जुर्माना है, देखा मैंने पहले बोला था आपको। और अभी हम लोग जाते हैं मॉल में, मॉल का भी आपको दिखा देता हूँ उधर क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, आलू का प्याज। तो वीडियो में बने रहना।
हेलो फ्रेंड, तो हम लोग देखो साइकिल पे जा रहे हैं। हाय, तो फ्रेंड अभी सिग्नल हो गया है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना भीड़ है। ये कार दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है। सिग्नल पे हम लोग रुके हैं, जैसे सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो हम लोग जाते हैं अंदर। दोस्तों आप ये देख सकते हैं इंटरमार्ट, ये है इंटरमार्ट, मैं इसी की बात कर रहा था। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ अभी। ये देखो पुलिस वाला भी बाल लगा हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ। ये पुलिस वाला लगा हुआ है और पीछे देखोगे तो कितनी बड़ी लाइन है, देखो लाइन कितनी बड़ी है। तो लाइन बहुत बड़ी है, मैं भी लाइन में लगता हूँ, तो आपको अभी दिखाता हूँ। और सभी लोग डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं और मास्क और ग्लव्स लगाया हुआ है और सैनिटाइजर से हाथ धुल रहे हैं। पुलिस वाला देखो जूम करके बताता हूँ आपको, पुलिस वाला भी है, बहुत बड़ा लाइन है इंटरमार्ट में, देख सकते हो इधर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अभी मैं अंदर जाके देखता हूँ। तो मैं अभी आया हूँ इंटरमार्ट में सामान लेने के लिए और सामान आपको बताता हूँ किस प्राइस में मिल रहा है अभी। ठीक है, मैगी का प्राइस है 8 रुपया। ओके, 8 रुपये का मैगी है। और अपने को क्या लेना है? ये पास्ता वाला? हाँ, ये पास्ता अच्छा है, डाल देता हूँ। कितना प्राइस है इसका? ये मॉरिसन 56 रुपीज प्राइस है इसका। ये पूरा स्पाइसेस का डिपार्टमेंट है, पूरा मसाला इधर थाली ब्रांड का मसाला है सब, इसमें आपको जो चाहिए वो सब मिल जाता है। ब्राउन चीनी, हाँ, इसका प्राइस है 78 रुपीस। वाइट शुगर, इसका प्राइस है 37 रुपीस। एंड ये है आशीर्वाद आटा, वो इंडियन आटा है। ये 1 kg आशीर्वाद आटा का प्राइस है 56 रुपीस। 5 kg का है, और ये 5 kg का आटा नहीं है इधर, 1 kg का दूध का पैकेट देखो 215। हाँ, 5 kg का 400 रुपया। ये पूरा चॉकलेट्स का डिपार्टमेंट है, चॉकलेट डेयरी मिल्क 84 रुपीज़। अच्छा, 84 रुपीज़ का। ये डेयरी मिल्क ब्रांड का नया फ्लेवर है, अभी अभी आया है। आलू प्याज कितने का है? 40 रुपीज़ का हाफ के जी। ये 40 रुपीज़। प्याज है 40 रुपीज़ का हाफ के जी। ये फ्रूट्स डिपार्टमेंट है पूरा, ये यहाँ का अफ्रीकन फ्रूट है और ग्रीन मिर्ची ऐसे मिलता है इधर। ये यहाँ का मौसम भी है।
दोस्तों हमने इंटरमार्ट से सामान खरीद लिया है, लेकिन सब्ज़ी नहीं ख़रीदा है क्योंकि सब्ज़ी तो बहुत महंगा है, तो हम सब्ज़ी रोड से ख़रीदेंगे। तो चलते हैं आगे, अभी देखते हैं कहाँ मिलता है हमें अच्छी सब्ज़ी। दोस्तों तो अभी इंटरमार्ट से जा रहे हैं घर, अब देखते हैं थोड़ा और सामान ले लेते रास्ते में। पीमा हाउ मच? पीमा के दाम लालो 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 नहीं है। ओके कोई बात नहीं, पीमा दे दो, हो गया।